कार्यालय में जाकर और जिस चोटी पर बैठकर उनके श्लोक अहिल्या देवी शासन चलाती थी उसका दर्शन ले पाया और उस गति को नमन कर पाया। अहिल्या देवी महारानी थी, धन था, संपत्ति थी, लेकिन एक छोटे से घर में बैठकर उन्होंने अपना शासन चलाया और इस भाव के साथ चलाया कि ये मेरा नहीं है, ये तो ईश्वर का है और ईश्वर ने केवल मुझे इसको चलाने की जिम्मेदारी दी है और इसलिए ईश्वर का ऋण समझते हुए, ईश्वर का कर्ज समझते हुए मैं ये शासन चला रही हूँ और जनहित में जो कार्य मैं करती हूँ वो एक एक कार्य ईश्वर के ऋण से मुक्त होने का मार्ग है। ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है, ये समाज का है। इस भाव के साथ इस राज्य को उन्होंने चलाया। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होकर यांच्या चरणी मी नतमस्तक होतो।